कुमार दिवाकर, स्वागत करता हूं आपका सन सिटी ऑफ इंडिया में। यह है लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन। दिन के समय स्टेशन के आसपास का इलाका जितना खूबसूरत दिखता है, रात होते होते इस मेट्रो स्टेशन का इलाका बदनाम रोड में तब्दील हो जाता है। रात का 1 बज रहा है और मैं लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के नज़दीक से गुजर रहा हूँ। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि रात को 12-1 बजे के बाद इस रोड पर किस तरीके से जो किन्नर हैं वो देव व्यापार का काम कर रहे हैं। आज मैंने उनको अपने कैमरे में कैप्चर किया है। लाजपत नगर मेट्रो के आसपास देर रात किन्नर लड़कियों के भेष में बेखौफ होकर देव व्यापार का धंधा कर रहे हैं। रात होते ही मात्र 100 मीटर की दूरी पर दिल्ली पुलिस का बैरिकेटर और 2-2 गश्त करती पुलिस की PCR होने के बावजूद लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के आसपास का माहौल कितना गंदा हो जाता है। इस रोड पर से आम महिला को गुजरना दुश्वार हो गए हैं। किन्नरों की वजह से आम महिला को इस रोड पर लोग गंदी नज़रों से देखने से नहीं चूकते। आज मैं आपको दिखाऊंगा लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के आसपास की बेरात की सच्चाई। देर रात लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के आसपास तड़कते भड़कते कपड़े पहने और अश्लील हरकतें करती कुछ लड़कियां दिखाई देगी। देर रात को सड़क पर दिखाई देने वाली ये लड़कियां नहीं हैं। दरअसल लड़कियों की वेशभूषा में किन्नर हैं, जो कि लाजपत नगर के आसपास के इलाकों में रहते हैं। यह किन्नर रात होते ही लड़कियों की वेशभूषा में लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के आसपास रोड पर खड़े हो जाते हैं। शहर के गिरे अयाशी करने वाले लोग देर रात लंबी लंबी गाड़ियों में इस रोड पर दिखाई दे जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि देर रात जिस रोड पर देव व्यापार का कारोबार होता है, वहीं 100 मीटर की दूरी पर दिल्ली पुलिस के बैरिकेडर लगे होते हैं। साथ ही वहां PCR की 2-2 गाड़ियां गश्त लगाती रहती हैं। हम दिल्ली पुलिस पर आरोप नहीं लगा रहे ये गंदा धंधा उनकी मिलीभगत से हो रहा है, लेकिन मात्र 100 मीटर की दूरी पर यह सब हो रहा है, जो कि अपने आप पर पुलिस पर सवाल निशान उठा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पुलिस की एक जिप्सी भी खड़ी हुई है। हालांकि पुलिस की जिप्सी खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस रोड पर ये ऑटो वाले और ये किस तरीके से किन्नर खड़े रहते हैं। आगे भी देखिए, मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से पुलिस की जिप्सी, 2-3 जगह पुलिस की जिप्सी खड़ी हुई है। इसके बावजूद इस रोड पर इतना गंदा काम हो रहा है, इतना गलत काम हो रहा है।
महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस को सख्त कदम उठाने चाहिए। देर रात लाखनगर मेट्रो के आसपास हो रहे थे विवाह के धंधे पर दिल्ली पुलिस को अंकुश लगाना होगा ताकि इस रोड से गुजरते हुए आम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।